इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, ये मेरा पहला लेक्चर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है, जिसमें से हम जाएंगे जो सबसे पहली चीज़ पे जाएंगे वो क्या है, मेरी सिग्नल। सिग्नल बेसिकली क्या होता है, ठीक है, और किस टाइप के सिग्नल होते हैं। और आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, या आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि एक कंटिन्यूस वर्ड होता है, कि जब हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं, एनालॉग की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं वो एक चीज़ जो कंटिन्यूस है वो एनालॉग है। बट एक्चुअली में जो मेरा कंटिन्यूस सिग्नल है, क्या वो एनालॉग है, क्या एक्चुअली में ऐसा है, वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो सिग्नल की जब भी बात करते हैं हम, अगर मैं बोल रहा हूँ सिग्नल, सिग्नल क्या होता है बेसिकली, सिग्नल अ फंक्शन विच कैरीज इंफॉर्मेशन एंड डिपेंड्स ऑन एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, ठीक। तो मैंने जैसे सिग्नल की डेफिनेशन बताई है कि एक सिग्नल एक फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो डिपेंड करता है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो सिग्नल का अगर मतलब मैं समझूं तो वो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर, ठीक है, मेरी वॉइस, मेरा म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन के जितने भी जरिए हैं, ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं, वो सारे एक सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं ना। वोल्टेज की बात करूं, करंट की बात करूं, पावर की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, जो भी चीज है वो सारी की सारी सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल बेसिकली होता क्या है, सिग्नल एक ऐसी मैथमेटिकल टर्मोलॉजी है जो यूज होती है एक ऐसी चीज के लिए, अगर मेरा कोई फंक्शन है जो डिपेंड करता है या तो मेरे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं वोल्टेज, लेट्स से वी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो फंक्शन है वी टी, ये लिख रहा हूं, तो ये वी टी का मतलब क्या है कि वी जो है, वी इज अ फंक्शन, वी टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टी जो है मेरा टाइम है, ठीक है। तो ये कह सकता हूं, तो यानी मेरे टाइम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और उस पर क्या डिपेंड कर रहा है मेरा वी टी। तो वी टी इज अ सिग्नल विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि सिग्नल क्या होता है, मैं एनालॉग पे आ रहा हूँ अब धीरे धीरे। सबसे पहले हमने सिग्नल समझना था, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं सिग्नल की, तो हमें याद आता है बहुत कुछ, ठीक है, जिसमें से एक वोल्टेज है, ठीक है। अगर इसका मैं ग्राफिकल प्लॉट करूं, यानी वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, तो कैसे करूंगा, क्योंकि आप सिग्नल क्या बोला मैंने, फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, टाइम लूंगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल वी टी, ठीक है। तो अब इसका प्लॉट करूंगा, तो मान लीजिए मैं एसी सोर्स लगा रखा है, एसी सोर्स का वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स, तो वेवफॉर्म कैसे आएगी, कुछ ऐसी, ठीक है, साइनोसोडियल, ठीक है, ठीक। तो ऐसी वेवफॉर्म आएगी, ठीक है, ये मेरा सिग्नल हो गया, ठीक, इतना आप समझते हो। अब इस सिग्नल की बात करूं, तो आपको जब ये सिग्नल होगा, ठीक है, तो सिग्नल क्या है बेसिकली, ये क्या है, सिग्नल है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा सिग्नल क्या होगा, मैं बार बार वही बात बोले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सिग्नल समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी आप एनालॉग सिग्नल समझ पाएंगे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, दो चीजें आती है सिग्नल में मेरी, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ एनालॉग सिग्नल की, अब सिग्नल्स पे आते हैं, सबसे पहला टाइप जो मैंने बोला था एनालॉग, ठीक है, एनालॉग सिग्नल की बात करूं, तो हमने हमेशा सुना है एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, आधी सच्चाई है ये, आधी नहीं है। एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस
रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, जब मैं बात करूंगा ना इस वाई एक्सिस की, या कह लो फंक्शन की, ठीक है, जब मैं बात करूंगा फंक्शन की, जब मुझे फंक्शन की कंटिन्यूअस रेंज मिलेगी, अब देखिए इस सिग्नल को ही देख लीजिए, ये सिग्नल है, अब मुझे इसमें फंक्शन की डिफरेंट 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 रेंज मिल रही है, यानी इन्फोनाइट नंबर ऑफ रेंज मिल रही है, ठीक है, इन्फोनाइट रेंज है, ठीक है, मेरी इसमें मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकता कि 0, 5, 10, 15, 20 ही मेरा एम्पलीट्यूड है, रेंज का मतलब एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस की रेंज बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड की रेंज बोलो, फंक्शन की रेंज मिल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल में मुझे फंक्शन एम्पलीट्यूड या फिर कह लो फंक्शन एम्पलीट्यूड या कह लो मेरा हाँ ये दो चीजें कह लो, इसकी क्या मिलेगी मेरे को, इन्फिनाइट रेंज, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो एनालॉग है वो क्या है, क्लासिफिकेशन होता है मेरा बेस्ड ऑन वाई एक्सिस या कह लो फंक्शन एक्सिस, ठीक है। वहीं मैं अगर दूसरा टाइप लेकर आऊं इसी के बेस्ड, वो होगा मेरा डिजिटल, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिए बहुत सारी एडवांटेजेस है, जैसे कि मेरा सिलेबस है जो मैं कह लो नाम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो वो क्यों है, क्यों करती है, वो बात की बात है, उसके एडवांटेजेस बहुत सारी है एनालॉग के ऊपर, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी खाली हमें क्या देखना है डिजिटल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं बेसिकली, इनमें ये कंटिन्यूअस की बात नहीं होती। अब हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल मतलब डिस्क्रीट, डिजिटल डिस्क्रीट है, लेकिन डिस्क्रीट क्या, डिस्क्रीट रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन एंड ऑफ वाई वैल्यू, ठीक है। तो डिस्क्रीट रेंज ऑफ कह लो फाइनाइट, जिसको हम गिन पाए, ठीक है, फाइनाइट रेंज ऑफ फंक्शन, जिसको हम कह सकते हैं वी टी, और सिग्नल, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि वो फिर कंटिन्यूअस क्या होता है। अब मैं जब एक्स एक्सिस की बात करूंगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारे पास दो आएंगे अलग अलग, तो हमने अभी तक दो चीज देख ली, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो हम को एक बात याद रखनी है कि एनालॉग एक सिग्नल एनालॉग हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, एक एनालॉग डिजिटल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस ना हो, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो हमारे को ये याद रखना है कि एनालॉग और कंटिन्यूअस सेम चीज नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के क्लासिफिकेशन पे, या कह लो टाइम एक्सिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। टाइम एक्सिस का मतलब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, अगर कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उसका मतलब क्या कि इट हैव रेंज, इट हैव कंटिन्यूअस रेंज ओवर ऑफ टाइम, पूरे टाइम पे टाइम की रेंज है उसके पास, टाइम की इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है। वहां पर एनालॉग में क्या था, मेरे एम्पलीट्यूड की इनफाइनाइट रेंज थी, दिस इज द डिफरेंस जो हमको बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो मेरे पास इसमें क्या होता है, टाइम की या कह लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इनफाइनाइट रेंज है, ठीक। अब मैं बात करता हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। अब डिस्क्रीट टाइम है, मींस मैं टाइम एक्सिस पे जाऊंगा, डिस्क्रीट का मतलब सिंपल सी बात, टुकड़ों में, जिसको मैं गिन सकता हूं, तो इसका मतलब क्या, फाइनाइट रेंज ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमने चार टाइप के सिग्नल पढ़े हैं। यहां पर क्या क्या पढ़े हैं ये भैया नोट कर लेते हैं, एनालॉग, डिजिटल और मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, कुछ वेवफॉर्म्स देखेंगे ये, जिसके थ्रू हम ये जज करेंगे कि वो सिग्नल एनालॉग है, डिजिटल है, डिस्क्रीट टाइम है या कंटिन्यूअस टाइम है। तो अब जो होता है ना, अब आपको इतना पता चल गया ना कि एनालॉग अलग चीज है, कंटिन्यूअस अलग चीज है, कंटिन्यूअस टाइम बोलो कंटिन्यूअस टाइम अलग चीज है। ठीक है, तो हम अब सिग्नल की क्लासिफिकेशन करेंगे पर्टिकुलर। एनालॉग तो होगा, एनालॉग के साथ वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सिग्नल को दो तरीकों से जज करते हैं हम। ठीक है, एक तो एनालॉग डिजिटल, दूसरी चीज से जज कैसे करेंगे, उसके टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक सिग्नल को हम जज करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली उसके टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जज करेंगे, दूसरा उसके फंक्शन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले पे भी, डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी जज करेंगे, ताकि उसका नाम पूरी तरह हम लिख सके, जैसे एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या फिर एनालॉग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब मैं चार टाइप के सिग्नल ड्रॉ करने वाला हूँ, हम जज करेंगे कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो ये है मेरे चार सिग्नल। ठीक, तो हम जज करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या कह लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कि कौन सा सिग्नल कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमने। ठीक, ऑलरेडी हो चुकी है। तो पहला सिग्नल की बात करूं तो आप देखिएगा, पहले वाई एक्सिस को देखिएगा एस वन, ठीक है, या फिर कह लो एस वन ऑफ टी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखता हूँ, तो मैं क्या चेक करता हूँ, एनालॉग या डिजिटल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखेंगे और फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और बाद में सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये देखना हमने, तो डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सबसे पहले हम। डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये देखिए आपको पूरी रेंज मिल रही है, मतलब इनफाइनाइट है, हम बता नहीं सकते कि ये रेंज है, देखो कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, तो मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकता 10 रेंजेस की है, 20 नंबर की रेंज है, मतलब 5 10 15 20 स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है इसकी रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एनालॉग होगा। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अभी सिग्नल कंटिन्यूअस है, क्योंकि इधर भी रेंज जो है इसकी, जो ऊपर से अगर मैं नीचे लाऊं तो इनफाइनाइट है इधर भी। ठीक है, तो एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो ये हुआ इसका पूरा नाम। ठीक है, वहां दूसरे उसकी बात करूं तो इधर हमारे को स्पेसिफिकली दे रखा है कि ये हो गया आपका एक रेंज आपकी ये होगी और दूसरी रेंज ये होगी। ठीक है, तो दो स्पेसिफिक फाइनाइट रेंज है। ठीक है, फाइनाइट रेंज है किसकी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की, नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल के, सॉरी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर फाइनाइट रेंज आती है तो क्या बन जाता है, डिजिटल। ठीक है, उसके बाद आपने देखनी है वाई एक्सिस पे कह लो एक्स एक्सिस पे कह लो या फिर कह लो टाइम एक्सिस पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या रहेगी। तो आप देख लीजिए कि इसकी आपके पास मतलब बहुत रेंज है, बहुत का मतलब इनफाइनाइट रेंज है, आप स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि ये रेंज है। ठीक है, इसकी तो इसकी क्या है, कंटिन्यूअस टाइम रहेगा, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब आते हैं तीसरे सिग्नल पे, तो इसमें आप देखिएगा, पहली बात फाइनाइट रेंज है जैसे इसमें थी। ठीक है, तो ये डिजिटल तो रहेगा ही रहेगा, अब ये हो जाएगा डिस्क्रीट, क्योंकि हमारे पास T1 T2 T3 ठीक है, इस पे रेंज है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे यानी स्पेसिफिक टाइम पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, यानी सिग्नल की वैल्यू दी हुई है, और स्पेसिफिक टाइम पे दी हुई है, तो इसका मतलब क्या कि ये मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं आता, अब ध्यान से देखिएगा, ये चेंज देखिए जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर आता है मेरा एन, एन शुड बी अ इंटीजर, एन क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ 1, तो यहाँ या मान लो पहला इंस्टेंट पे जो टाइम था वो था टी, तो दूसरे पे क्या होगा 2T,
और आखिरी तक जाते जाते क्या हो जाएगा एन टी, ठीक है। तो एन क्या होगा इंटीजर, और ये फंक्शन जो होगा एक्चुअली ये फंक्शन टाइम का ना होकर के किसका होगा एन का होगा, ठीक है। ये एस टू टी लिखोगे आप, यहां पर क्या लिखोगे एन विच इज एन इंटीजर। तो टी क्या था टाइम डिनोट करता है, एन क्या डिनोट करता है इंटीजर डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली एस फोर एन आएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है, और जैसे कि इसकी जो वाई एक्सिस पे या कह लो डिपेंडेंट एक्सिस पे रेंज है वो क्या है इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं, इतनी सारी रेंज है इसमें आप गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ये क्या हो जाएगा डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और ये एनालॉग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब हमने जो देखना था वो क्या देखना था कि मेरे डिस्क्रीट सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक सिग्नल है, जिसकी वैल्यू कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो टी वन टी पे, 2T पे, 3T पे, 4T पे, 5T पे, 6T पे, 7T पे, तो ये है मेरी रीडिंग N, और यहाँ पर क्या आएगा XN, ठीक है। X कोई सिग्नल है, ये 1 है, ये 3 है, ये है 2, सिमिलरली ये 3, ये 2, ये 1, ये दोनों 1, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, XN, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको सेट की फॉर्म में लिखना है, और सेट की फॉर्म में क्या लिखना है फंक्शन की वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले क्या है 1, तो 1, फिर दूसरा क्या है 2T पे क्या है 3, तो 3, फिर 2, 2, फिर 3, 3, 4T पे क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर 1, फिर 1, मतलब यहाँ पर क्या लिखनी है इन इंस्टेंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो इसमें लिखनी है, ठीक है। अब आपको इसको देखकर ये फंक्शन ड्रॉ करना आप कर सकते हो, क्योंकि हमें पता रहेगा कि n की वैल्यू गिवन रहेगी कि n जो है आपका वो है 7, और चालू किससे होगा हमेशा t से चालू होगा, तो 7t तक जाएगा, तो आपके पास 7 वैल्यू है आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 0 भी होता, अगर यहाँ पर 0 भी होता और माइनस t भी होता यहाँ पर, ठीक है, माइनस t पे मान लो 1 वैल्यू रहती, तो 0 पे भी कह लो 1 वैल्यू रहती, तो आपका होता 1 1। तो हम क्या करते हैं, हमको ये पता लगाना होता है कि कहाँ से वैल्यू एक्चुअली स्टार्ट है। मान लीजिए 0 से स्टार्ट है ना, 0 से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 0 पे एरो लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस वाली, इधर से उधर जाएंगे तो प्लस वाली, और ये होंगी किसकी वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होता है, कंटिन्यूस सिग्नल है लेकिन वाई रेंज में है, एक्स कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल से डिफरेंट है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये था सिग्नल, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करते हुए जाए और शेयर करना ना भूले। अगर आपको ये जानना है कि कैसे और क्यों मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।